एविडेंस बेस्ड जो मैंने पढ़ा है या जो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं सीडीसी को काफ़ी फॉलो करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका की रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम अक्सर जो है फैक्ट्स और फिगर्स के लिए उसको जाते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो दूसरा जो मेरी इंफॉर्मेशन रिसेंटली मैं रिव्यू कर रहा था वो येल से है कि ये येल यूनिवर्सिटी अगेन इट्स ए रिलायबल यूनिवर्सिटी अमेरिका की। तो इसमें हमें जो है वो ये देखना पड़ेगा कि भाई वो इंफॉर्मेशन वहाँ से क्या है, क्योंकि सर आई एम नॉट डूइंग रिसर्च इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को क्वालिफाई कर दूँ। तो अब ये जो तीन आपने बताई हैं, जो फाइजर की है, जॉनसन एंड जॉनसन की है, एस्ट्राजेनेका है, इसकी कंपैरिजन क्या है? तो पहली चीज़ तो ये है कि जो मॉडर्ना और जो वो है अपना फाइजर, तो ये तो आपको पता है हमारा ने बेस्ड वैक्सीन है। अब बाकी रह गया जो इसका है, एस्ट्राजेनेका का है, जैसे आपने कहा ये mRNA बेस्ड नहीं है, तो ये इसका तरीका बनाने का डिफरेंट है। इसी तरह से और भी बहुत सारी आई हैं, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसमें जो इनकी थोड़ा सा जिस तरह से बनाई गई हैं वो, और जो उनकी उनका जो बेनिफिट है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब फाइजर के बारे में और मॉडर्ना के बारे में ये है, उन दोनों को मैं लंप कर रहा हूँ एक साथ, हालांकि थोड़ा सा डेटा इनका डिफरेंट है कि ये काफ़ी इफेक्टिव हैं। जो ओरिजिनल हमारा स्ट्रेन था उसके खिलाफ, और जो बाकी अल्फा बीटा और जो है डेल्टा वगैरह आ रहे हैं, जिसको अदर वर्ड्स में लोगों ने कहा कि इंग्लैंड का स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीकन है या ब्राज़ील है या इंडिया का है, पर वो उन्होंने कंट्रीज़ को उसके साथ लिंक अप करना कम कर दिया है, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी बन सकता है, तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू ब्लेम ए कंट्री। तो उसमें ये जो दोनों mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं ये काफ़ी इफेक्टिव हैं। ये अभी ये लोग अफवाहें फैला देते हैं इसी तरह से कि ये जो डेल्टा है इसके खिलाफ mRNA वैक्सीन काम नहीं करती हैं, लोग मर गए हैं, ये है वो है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। दीज मतलब डेथ्स तो हुई हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ये रिलेटेड टू वैक्सीन है या नहीं है। इसी तरह से है जैसे कि हमारा एक डेथ रेट चल रहा है दुनिया भर में वैक्सीन से पहले से भी है, तो लोग जो वैक्सीन लेंगे वेदर दे आर रिलेटेड टू वैक्सीन और नॉट, उनका भी डेथ रेट तो होगा ना। जो अगर 60 साल का आदमी है या 70 साल का है या 90 साल का है, उसने मरना तो है एक दिन, तो अगर उसकी डेथ हो गई हफ्ते बाद महीने के बाद, तो वो बाज़ अवकात उसको लोग रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका उससे कोई ताल्लुक हो। तो ये इसी तरह से जो एस्ट्राजेनेका है, एस्ट्राजेनेका जो है ये भी एक ऐसी मेडिकेशन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे आपने बताया कि ये वेक्टर बेस्ड है, और इसको भी आप जब इंजेक्ट करते हैं तो इसमें भी इम्यूनिटी डेवलप होती है, लेकिन उसका तरीका कार अलग है, जैसे कि वो एक स्पाइक से लेके बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इसका जो इंजेक्शन है, इसमें आपको समझ लीजिए कि वो शेल होता है, उसके अंदर वो एक तरह से ट्रोजन हॉर्स की तरह उसके अंदर छुपा के वो उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं, और वो उससे वो जो आपका इम्यून रिएक्शन बनता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अहम है। तो आप एक चीज़ जो आपने मेरे ख्याल में जिक्र नहीं किया, जो मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, वो है नोवावैक्स। नोवावैक्स जो है ये एक तरह से बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। इसमें इस तरह से mRNA या जो है वो जो डीएक्टिवेटेड वायरसेस नहीं होते, बल्कि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो जो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसके बारे में अब रिसेंटली जो खबरें आ रही हैं कि ये भी बड़ी इफ़ेक्टिव है,
और बड़ी हेल्पफुल वैक्सीन है और ये इट्स अमेरिकन बेस्ड, तो ये मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में इसका भी रोल होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं, ये इस पर हमें सीरियसली इन चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, वैक्सीन को लगाने की ज़रूरत है। मतलब ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एनी वैक्सीन इज़ बेटर देन नो वैक्सीन जो अप्रूव हो गई है, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाई है तो उसके बारे में जो है ना प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा डेटा आपके लिए मैंने कलेक्ट किया था, मेरे ख्याल में मैं उसको शेयर कर दूँ। मैंने सॉरी आई एम लुकिंग अवे, मैंने वो हाथ से लिखा था तो मैंने कहा क्या, क्योंकि लोगों को हो सकता है कि इसमें इंटरेस्ट हो, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको शेयर करूं, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ये लोग मर जाएंगे, ये रिएक्शंस हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हम अफवाहों पे कान धरें, हमें डेटा पे गौर करना चाहिए कि एक्चुअल डेटा क्या है। तो ये भी ये डेटा मैंने सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल से लिया है। जो लोग जाना चाहते हैं वो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल पे चले जाएं और इसमें वो देख सकते हैं, रेफरेंस आपके पास मौजूद है। पहला जो रिएक्शन है वो है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस जो है ऐसा रिएक्शन है जो किसी भी दवाई में हो सकता है। मुझे याद है कि जब मैं मेडिसिन पढ़ रहा था तो उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, ये पिछली सदी की बात कर रहा हूँ मैं पिछली सदी ये भी बहुत पीछे, तो जस्ट गिविंग अवे माई एज। तो उसमें ये होता था कि पता चला जी वो एक मरीज गया डॉक्टर साहब के पास दवाई के लिए, तो डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगा दिया और बंदा मर गया। तो ये वो एनाफिलैक्टिक इंजेक्शन होते हैं जो फौरन होते हैं, बॉडी जो है वो सिवियरली रिएक्ट करती है और उसकी वजह से जो है वो बॉडी की रिएक्शन की वजह से डेथ हो जाती है। तो उसका सिंपल प्रोसीजर उसमें होता है, वो अभी भी लोग करते हैं जिनको शेलफिश या बाकी चीज़ों से एलर्जी है, वो अपने साथ वो इंजेक्शन रखते हैं, वो लेकर जाते हैं अपने अक्सर पर्सों में या अपने पॉकेट्स में उनके पास होता है। एपिनेफ्रिन जो है वो आप अपना मेजर डोज होती है वो लगा दें, उससे ठीक हो जाता है इंसान। तो ये इसका जो डेटा है वो ये है कि एनाफिलैक्सिस जो इन दवाइयों से हुआ है वो 2 से 5 अफराद 1 मिलियन में, ठीक है। तो 1 मिलियन का मतलब ये है कि 10 लाख, अगर आप उसको हिंदी या उर्दू में तर्जमा कर लें, 10 लाख लोगों में से 2 से 5 लोगों को एनाफिलैक्सिस हुआ है। लेकिन ये मतलब समझ लीजिए कि ये कोई इसके लिए यूनिक नहीं है, ये जो वैक्सीन हैं सिर्फ इनकी वजह से नहीं है, बहुत सारी और दवाइयों से भी एनाफिलैक्सिस होता है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये कह देना है कि इससे ये मौत हो रही है, मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, क्योंकि ये बाकी दवाइयों से भी, बाकी इंजेक्शन से भी ये एनाफिलैक्सिस हो सकता है। दूसरी जो बड़ी चीज़ जो आपने भी जिक्र किया है, एस्ट्राज़ेनेका के बारे में मशहूर हो गया कि वो उससे जो है ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको डेटा देखें कि ये जॉनसन और जॉनसन जिन्होंने एस्ट्राज़ेनेका बनाई, ये जो वो है 36 लोगों को 12 मिलियन डोजेज में 36 लोगों को ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ नॉट ए ह्यूज डेटा। अगर आप वैसे कंपेयर करें कि कितने लोग मर रहे हैं, तो जो शुरू में डेटा आया था कि 1 in 100 लोग जिनको ये इन्फेक्शन होता है, क्या कहना चाहिए, ये कोविड का, 100 में से 1 इंसान मर जाता था, ठीक है ना, यही था ना डेटा, इसी तरह का कोई डेटा था, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो वो जो डेटा है अगर उसको देखें, 100 में से 1 बंदे का मर जाना वर्सेस 12 मिलियन डोजेज में 36 जो है आपके क्लॉट्स हुए, तो आप समझ लीजिए कि फिर भी सैकड़ों गुना ज़्यादा इसकी बेनिफिट है इस दवाई के लेने के। और उसके बाद जो है एक केस जो है mRNA वैक्सीन का भी मिला है, जो उसमें जिसमें ये मॉडर्ना से हुआ, 1 केस विद मॉडर्ना वैक्सीन
और उसका क्या फ्रीक्वेंसी है आपको हैरत होगी, 306 मिलियन, 306 मिलियन इंजेक्शंस के बाद एक केस हुआ है मॉडर्ना में क्लॉटिंग का। और फाइजर की वैक्सीन से कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ थ्रोम्बोसिस हुआ हो। तो अब आप सुन समझ लीजिए कि कितनी वैक्सीन फाइजर की लगी हैं अभी तक तकरीबन पूरी दुनिया में। और ये हाइप क्रिएट होती है नेगेटिव, एक केस को पकड़ लिया, उसकी वीडियो वायरल कर दी, उसके बारे में लोगों को मशहूर कर दिया, ये ज्यादती है इंसानों के साथ। फिर तीसरी जो अहम चीज़ जो जो इन्फेक्शन आपको देखने में आया है, जो कुछ लोगों को पता नहीं है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हुई हैं, वो है मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, आपको पता ही होगा। तो ये केसेस जिसमें ये जो हार्ट है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सो इन्फेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और या उसकी झिल्ली में, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और दिल के बाहर एक झिल्ली होती है और उसके अंदर पानी होता है, जो झिल्ली और दिल के जो मसल्स हैं उनके बीच में होता है, और एक जो मसल्स होती हैं हार्ट की। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों को मिला के 393 केसेस एंड मोस्टली रिपोर्टेड इन यंग मेल्स, तो ये टोटल हैं। और ये केसेस हुए हैं एमआरएनए वैक्सीन से। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग मर गए हों, दे हैड एन इन्फ्लेमेशन दैट कॉज सिम्टम, जिसकी वजह से कुछ तकलीफ हुई होगी, कुछ दर्द हुआ होगा, कुछ हार्ट के और सिम्टम्स आए होंगे, कुछ रिदम चेंज हुआ होगा। तो ये है, लेकिन ये सब में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो केसेस हैं यंगर मेल्स में रिपोर्ट हुआ। इसमें थोड़ा सा बता दूं कि ये इसमें एक बायस भी है। बायस ये है कि एक वक्त था जब आपको पता होगा कि ये मशहूर हो गया था कि भाई यंग लोगों को कोविड नहीं होता, या होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमारे जो यंगर मेल्स थे उन्होंने फैसला किया कि चलो यार, अगर हमें नहीं हो रहा तो हम ऐसी करते हैं। तो उन्होंने मिलना जुलना भी रखा, आना जाना भी रखा, सारी चीज़ें, ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरे ख्याल में उनके जो सिम्टम्स पूरे तो नहीं आए उनको, लेकिन जो सिम्टम्स आए वो माइनर थे, लेकिन उसमें जो एक ये भी सिम्टम था। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें थोड़ा सा जहन में रखने की ज़रूरत है कि अगर यंग लोग उसी तरह से परहेज करते जैसे सबने किया था, तो मुझे नहीं पता कि ये मायोकार्डाइटिस के केसेस ऐसे होते या नहीं होते, या क्या एक्चुअल जो है मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है इसके पीछे। लेकिन 393 केसेस। चौथी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है, वो थोड़ी सी अलार्मिंग है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। वो डेथ रेट के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बाज़ूकात लोग मर जाते हैं, तो टोटल जो डेथ रेट है वो 0.00017%, तो बहुत ही मिनिमल है। लेकिन ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि ये जो 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद या महीने के बाद जो डेथ हुई है इसका ताल्लुक वैक्सीन से है या नहीं। तो इसमें एज ग्रुप जो हैं वो मुझे नहीं पता है कि क्या है, मेरे ख्याल में इस डेटा को एनालाइज करने की जरूरत होगी। तो इसमें ये वो भी होंगे लोग जो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, जिनको और प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, या किसी और बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई, स्ट्रोक हो गया। तो अब ये जो है पता करना मुश्किल है कि ये क्या इसके पीछे कहानी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में अहम है। अब ये मैंने आपके सामने डेटा रख दिया है, मेरे ख्याल में इससे साबित होता है कि जो जो इम्यूनाइजेशन है वो सेफ है, और जो इम्यूनाइजेशन नहीं लेगा मेरे ख्याल में वो अपने आप को रिस्क पे डाल रहा है और अपने घर वालों को रिस्क पे डाल रहा है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस मैसेज को सीरियसली फैलाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये ज़रूरी है कि आप इंजेक्शन लें और अपनी आप को भी प्रोटेक्ट करें और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें।